मैं इरफान अली और आप देख रहे हैं YouTube चैनल फिजिक्स एंड मैथ बाय इरफान अली। हम आज पढ़ रहे हैं मैट्रिक फिजिक्स एंड आयन फिजिक्स का सेकंड चैप्टर का टॉपिक वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो आए देखें हमारा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। ये हमारे पास दिया था पेरी वर्नियर ने, कौन था? पेरी वर्नियर इन 1630 ही गेव कॉन्सेप्ट अबाउट वर्नियर कैलिपर। पेरी वर्नियर इन 1630 इन्होंने वर्नियर कैलिपर का कॉन्सेप्ट दिया, क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मल स्केल थी, मेजरिंग स्केल ले रहे थे हम, मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे थे, वो हमारे पास कम से कम जो रीडिंग दे रहे थे वो थी हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर, लीस्ट काउंट था उनका। तो मैं सिमालेस जो रीडिंग थी वो हमारे पास बहुत कम थी, इसलिए हमारे पास जो डेटा होते थे उनकी रीडिंग इतनी एक्यूरेसी नहीं हम फाइंड कर पाते थे। फॉर एग्जांपल, मैं अगर यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ कि हमारे पास एक सेंटीमीटर स्केल है, ऑर्डिनरी स्केल ले लेते हैं हम, जो हमारे यहाँ यूज़ होती है, मोस्टली हम यूज़ करते हैं ऑर्डिनरी स्केल। क्लियर, वो हमारे पास है सेंटीमीटर की स्केल। ये हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर में जीरो से स्टार्ट होती है, 10 तक होती है। 1 क्या होता है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आगे ले जाते हैं हम इसको, 8, 9, 10 यहाँ पर। ये हमारे पास सेंटीमीटर की स्केल है, जिसमें हमारे पास इसके अंदर जो होती हैं डिवीजन, वो डिवीजन हमारे पास क्या कहलाती हैं, 10 होती हैं सेंटीमीटर। नॉर्मल जो स्केल हमारे हैं उसके अंदर क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह हमारे पास क्या होती हैं, रीडिंग्स होती हैं। क्लियर, ये मेन स्केल हैं। अब ये जो मेन स्केल है, जो हमारे पास क्या होती है, ऑर्डिनरी स्केल सेंटीमीटर की, जो हम यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ में, ये हमारे पास सिमालेस जो रीडिंग है वो कितनी दे सकती है, वो ये हमारे पास, ये जो ग्रेजुएशन है। क्लियर, ये जो डिवीजन है ये हमारे पास है सिमालेस मेजरमेंट। अब ये डिवीजन है कितनी, उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। में सिमालेस मेजरमेंट ऑफ एनी स्केल, सिमालेस मेजरमेंट इस कॉल्ड लीस्ट काउंट। अब ये लीस्ट काउंट हम किस तरह निकालते हैं किसी भी स्केल का, वो हमारे पास होता है 1 यूनिट डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन इन दैट यूनिट। एक यूनिट, और उस एक यूनिट में हमारे पास कितने डिवीजन हैं। फॉर एग्जांपल, मैं 0 से लेके 1 तक एक यूनिट ले रहा हूँ सेंटीमीटर का, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि जो स्केल ले रहे हो वो यूनिट आएगा। मिलीमीटर की स्केल है तो मिलीमीटर, मीटर की स्केल है तो मीटर, फुट की स्केल है तो फुट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जनरली लिख दिया 1 यूनिट। तो लीस्ट काउंट किस तरह निकालते हैं, किसी भी स्केल का एक यूनिट लो आप, 1 यूनिट। फॉर एग्जांपल, मैं 0 से लेके 1 तक ले रहा हूँ 1 सेंटीमीटर, और इस 0 से लेके 1 तक जितनी डिवीजन है उसको डिवाइड करना है। कितने डिवीजन देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 डिवीजन है, तो 10 से डिवाइड किया, जवाब क्या आया, 0.1 सेंटीमीटर। हमारे पास ये जो लीस्ट काउंट है किसका है, ये हमारे पास ऑर्डिनरी स्केल है, वो कौन सी, सेंटीमीटर वाली स्केल, सेंटीमीटर स्केल। सेंटीमीटर जो हमारे पास स्केल है, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसका हमारे पास जो लीस्ट काउंट आया वो क्या है, 0.1। में जो सिमालेस मेजरमेंट है वो हमारे पास क्या है, ये उसकी डिवीजन है वो करता है ये स्केल। क्लियर है, तो ये था हमारे पास नॉर्मली ऑर्डिनरी स्केल। इससे ज्यादा हम नहीं जा पा रहे थे। मीन फॉर एग्जांपल, हम किसी भी मेजरमेंट लेते हैं, लेंथ लेते हैं इस स्केल के साथ, सेंटीमीटर स्केल के साथ हमने कोई भी एक मेजरमेंट ली, 6.2 सेंटीमीटर। क्लियर, अब ये देखें, ये 6.2 सेंटीमीटर है हमारे पास, ये हमारे पास रीडिंग है। सेम इसी स्केल से एक और रीडिंग लेते हैं हम, वो हमारे पास आती है 6.23। अब देखें लीस्ट काउंट क्या कह रहा है,
डेसिमल 0.1 सेंटीमीटर है, क्लियर है, मीन्स पॉइंट के बाद फर्स्ट प्लेस तक हमारे पास ये जो स्केल है रीडिंग एक्यूरेट दे सकती है, उसके बाद हमारे पास जो रीडिंग आएगी वो अनएक्यूरेट होगी। तो देखें, एक रीडिंग ली हमने, एक लेंथ मेजर की वो थी 6.2, तो देखें पॉइंट के पास फर्स्ट प्लेस आ रहा है, तो ये जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास देखें क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद फर्स्ट प्लेस है, तो इसका मतलब ये रीडिंग हमारे पास एक्यूरेट है, मीन्स ये जो टू वाला टर्म है ये एक्यूरेट है। लेकिन ये रीडिंग जो हमने इस स्केल से ली है उसमें डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस तक तो हमारे पास वैल्यू एक्यूरेट आती है, क्योंकि वो हमारे पास डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस तक रीडिंग ये सेंटीमीटर स्केल हमें एक्यूरेट देती है, क्योंकि वो उसका लीस्ट काउंट है, कम से कम वो उतनी कर सकता है। लेकिन डेसिमल के बाद ये जो थ्री है ये सेकंड प्लेस पे, ये हमारे पास क्या रहता है, अनसर्टेन, ये हमारे पास अनसर्टेन है, ये हमारे पास एक्यूरेट नहीं है। मीन्स यहां पर हमारे पास क्या है, 6.2 तो एक्यूरेट है, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्केल हमारे पास डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस तक एक्यूरेट रीडिंग देती है, लेकिन सेकंड प्लेस पे हमारे पास क्या आ जाती है, रीडिंग्स अनसर्टेन आ जाती है। मीन्स ये थ्री हमारे पास अनसर्टेन हो सकता है, यहाँ पर फोर हो या फाइव हो, इसलिए हम ये सर्टेन नहीं। तो सेकंड प्लेस तक, थर्ड प्लेस तक या डेसिमल के बाद फोर्थ प्लेस तक हमें एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, तो उसके लिए हमें ये स्केल को चेंज करना पड़ेगा। जो ऑर्डिनरी स्केल थी वो पिछले दौर में या हमारे पास ओल्ड टाइम में यूज हो रही थी, उसको हमने चेंज करना पड़ेगा। फिर आए हमारे पास क्या, पेरी वर्नियर, इन्होंने एक ऐसी स्केल दी जो कि आपके पास डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस या फोर्थ प्लेस तक क्या कर रही थी, एक्यूरेट रीडिंग दे रही थी, मीन सर्टेन वैल्यूज दे रही थी रीडिंग्स के, तो इसलिए हमारे पास वर्नियर कैलिपर आया। तो अब हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर, पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर के हमारे पास वर्नियर कैलिपर है क्या और दिखती क्या है। तो ये है हमारे पास डायग्राम वर्नियर कैलिपर का, इसमें देखें ये जो लगे हुए इनको कहते हैं दांत, जो दिख रहे हैं इसको कहते हैं जास, ये भी हमारे पास जास कहलाते हैं, लेकिन ये इनर जास हैं, ये आपके पास क्या है, आउटर जास हैं। एक आपके पास होती है ये जो स्केल देख रहे हैं बड़ी वाली, इस स्केल को कहते हैं मेन स्केल, ये जो ऊपर वाली स्केल जो रीडिंग लग रही है ये स्केल क्या कहलाती है, मेन स्केल। और उसके ऊपर ये एक और छोटी स्केल लगी हुई थी, ये छोटी स्केल, इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। लास्ट में देखें ये आपके पास है मेटालिक स्ट्रिप, इसको भी, ये भी आपके पास क्या करती है, मेजरमेंट के लिए यूज होती है, क्लियर। तो आप क्या करते हो, ये वर्नियर स्केल है, इसमें आ जाते हैं आपके पास आउटर जार या फिर आप इसको क्या कहते हो, अपर जार, ये आपके पास इनर जार या फिर आप इसको क्या कहते हो, लोअर जास, लोअर जास कहते हो, क्लियर। ये आपके पास वर्नियर स्केल है, ये आपके पास क्या है, स्क्रू क्लैंप है, ये क्या करता है, वर्नियर स्केल को फिक्स करता है। एक बार आपने इसके अंदर कोई सिलेंडर रख लिया, कोई मेटलिक प्लेट रख दिया, किसी चीज की हमें लेंथ चाहिए वो रख दी, उसके बाद हमने क्या करते हैं यहाँ पे इसको रोटेट करके फिक्स कर देते हैं, तो उसको कहते हैं स्क्रू क्लैंप। यहाँ पर एक और यहाँ पर दिखाई दिया स्क्रू क्लैंप। अब ये देखें दो स्केल्स हैं, एक मेन स्केल है दूसरी वर्नियर स्केल, दोनों की रीडिंग है, तो उनको अलग अलग से डिफाइन करेंगे। ये जो लाइन के ऊपर वाली स्केल दिखाई दे रही है ये वाली, ये कहलाती है मेन स्केल की रीडिंग्स या ग्रेजुएशन। ये नीचे वाली ये जो लाइनें दिखाई दे रही हैं ये आपके पास कहलाती है वर्नियर स्केल्स की रीडिंग्स या कैलिब्रेशन। तो अब आते हैं हमारे पास वर्नियर कैलिपर यूज किस लिए होता है, हम लिखते हैं यूजेस वर्नियर कैलिपर के, हम क्या लिखते हैं, यूजेस लिखते हैं। तो सबसे पहले देखें ये हमारे पास यूज होता है टू मेजर लेंथ, विड्थ या आप इसको कहते हैं ब्रीथ और हाइट। तीसरा ये आपके पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायामीटर्स ऑफ ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए यूज होता है। तीसरा आपके पास ये क्या यूज होता है, ब्रेथ फाइंड करने के लिए, डेप्थ ऑफ एनी मटीरियल, क्लियर। ये इन चीजों के लिए यूज होती है वर्नियर कैलिपर, हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, विड्थ और हाइट फाइंड करने के लिए यूज होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल डायामीटर फाइंड करने के लिए यूज होते हैं, डेप्थ फाइंड करने के लिए भी यूज होते हैं। अब आ जाते हैं देखें ये जो है इनर जार या आपके पास क्या है, लोअर जार है, ये यूज होते हैं हमारे पास किस लिए, सबसे पहले ये मेजर होते हैं लेंथ,
विड्थ हाइट और आउटर या फिर हम कहते हैं एक्सटर्नल डायामीटर के लिए। ये जो आउटर जार्स हैं या अपर जार्स हैं, ये यूज होते हैं लेंथ विड्थ हाइट और आउटर या एक्सटर्नल डायामीटर फाइंड करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट के। ये जो इनर डायामीटर हैं या फिर आप कहते हैं आउटर जार्स या अपर जार्स, ये यूज होते हैं आपके पास इंटरनल डायामीटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, इंटरनल डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये इंटरनल डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। कितनी चीज हो गई, देखिए लेंथ हो गई, विड्थ हो गई, हाइट हो गई, एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर। अब बात आ रही है डेप्थ की, कि किसी भी चीज की गहराई नापते हैं वो किस तरह। तो वो जो है ये मेटलिक स्ट्रिप जो यहाँ पर लास्ट में लगी हुई है, ये जो है मेजर करती है डेप्थ ऑफ द मटीरियल, डेप्थ या फिर आप क्या करते हो गहराई किसी भी चीज की, तो वो हम मेटलिक स्ट्रिप से मेजर करते हैं। क्लियर। तो ये थी वर्नियर स्केल के यूजेस के, ये किस लिए यूज होते हैं और किस किस चीजों से हम क्या क्या चीजें फाइंड करते हैं। क्लियर है, दे नोट कर लें, मैं मिटा रहा हूं। अब देखें हमने यूजेस पढ़ लिए, अब देखते हैं लीस्ट काउंट क्या है, क्योंकि वर्नियर स्केल हमने इसलिए यूज कर रहे थे ताकि हमारे पास ये कम से कम जो छोटी से छोटी मेजरमेंट है वो ज्यादा दे सके। ऑर्डिनरी स्केल क्या थी, वो डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट दे रही थी। फर्स्ट प्लेस के बाद जितने भी सेकंड थर्ड फोर्थ प्लेस आ रहे थे वो हमारे पास क्या हो रहे थे, अनएक्यूरेट हो रहे थे। लेकिन वर्नियर कैलिपर यूज करने से ये होता है कि हमारे पास लीस्ट काउंट्स की वैल्यू और कम हो जाती है, मीन्स हम छोटी से छोटी हो गई, लीस्ट काउंट और छोटा हो गया, इसका मतलब हम और ज्यादा छोटी मेजरमेंट ले सकते हैं, तो वो हमारे पास एक्यूरेट होती है, मीन्स ये एक्यूरेसी की तरफ ज्यादा जा रहा है। तो ये फाइंड करते हैं कि हमारे पास वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट कितना है और हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो देखें लीस्ट काउंट जो है वर्नियर स्केल का वो है आपके पास 0.01 सेंटीमीटर और आपके पास 0.1 मिलीमीटर। ये है बेटा आपके पास क्या लीस्ट काउंट किसका, वर्नियर स्केल का। लाजमी नहीं इतना, ये इसे बढ़ भी सकता है, 0.01, 0.002 भी हो सकता है, 0.03 डेसिमल के बाद थर्ड प्लेस फोर्थ फिफ्थ प्लेस तक भी जा सकता है। लेकिन हमारे पास जो ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर है उसका जो लीस्ट काउंट है वो क्या है, 0.01 सेंटीमीटर। जबकि हमारे पास जो सेंटीमीटर स्केल थी जो हम यूज़ कर रहे थे हमारे पास, वो हमारे पास किसके बराबर था, 0.01 सेंटीमीटर थी, 0.1 सेंटीमीटर और वन ईयर का और ज्यादा छोटी, मीन ये और ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आपको दे सकती है। अब आइए देखते हैं कि हम वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट किस तरह निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखें हमें वर्नियर स्केल्स की स्केल्स को देखना पड़ेगा और डिवीजंस को, क्योंकि हमारे पास जो लीस्ट काउंट का फार्मूला था वो ये क्या था कि 1 यूनिट डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन, लेकिन यहाँ पर इस तरह नहीं होगा, वो क्या होगा देखें आपके पास लीस्ट काउंट जो होगा इनका वर्नियर स्केल है वो बराबर होगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, इसके बराबर। लीस्ट काउंट किसके बराबर होता है वर्नियर स्केल का, 1 मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल की जो डिवीजन है, देखिए ये जो डिवीजन आ रही है ये क्या कहलाती है, मेन स्केल की डिवीजन, और ये जो आपके पास डिवीजन आ रही है ये किसकी आ रही है, वर्नियर स्केल की डिवीजन। तो मेन स्केल की डिवीजन से वर्नियर स्केल की डिवीजन को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लीस्ट काउंट। अब देखें यहां से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए, देखें लीस्ट काउंट जो है वर्नियर स्केल का वो 0.01, लेकिन पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि किसी भी चीज से कोई चीज माइनस कर रहे हो तो आपके पास जवाब पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये वाली चीज छोटी है, ये वाली चीज बड़ी है। अगर तो अब देखें जो हमारे पास वर्नियर स्केल उसका लीस्ट काउंट क्या रहा है, 0.01 प्लस का आ रहा है, तो यहाँ पर लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल किस तरह निकालते हैं, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो जवाब पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये वाली स्केल बड़ी है, ये वाली जो डिवीजन है वो छोटी है, मीन्स मेन स्केल की डिवीजन ग्रेटर है, ज्यादा लार्जर है, जबकि वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है वो छोटी है, क्योंकि जवाब आपके पास प्लस में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3 में से 2 को माइनस करूं तो जवाब क्या आता है, प्लस का 1, अगर 2 में से माइनस को 3 में करूं तो माइनस का 1। क्लियर है। तो देखें 1 मेन स्केल डिवीजन से माइनस कर रहे हैं 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो जवाब हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस का, तो इसका मतलब मेन स्केल डिवीजन ग्रेटर है, वर्नियर स्केल डिवीजन छोटी है। क्लियर है। तो ये था हमारे पास कंसेप्ट। अब देखते हैं जो ऑर्डिनरी स्केल है वो क्या है,
ये है हमारे पास एक स्केल, ले लेते हैं हम फॉर एग्जाम्पल इसकी, इसके लिए इस तरह डायग्राम बना हुआ है जिसको बनाते हैं। ये है हमारे पास मेन स्केल डिवीजन और सेम यहाँ पर मैं एक निकाल रहा हूँ वर्नियर स्केल डिवीजन, क्लियर है। अब देखें ये दोनों जीरो पे स्टार्ट है, मीन जीरो है यहाँ पे जीरो, यहाँ पर भी जीरो, जीरो से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 बड़ा कर दूँ ताकि क्लियर नज़र आए सबको। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 क्लियर है। अब ये है आपके पास मेन स्केल डिवीजन्स, ऊपर ले लेता हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे नीचे किसकी शो करनी है, वर्नियर स्केल। ये आपके पास क्या है मेन स्केल, ये क्या है मेन स्केल, और ये क्या है आपके पास वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ये हो गई, यहाँ पर होती है 1। यहां से देखें लेंथ कितनी है दोनों ऑब्जेक्ट की, सपोज करें मैं यहाँ पे लेंथ ले आ रहा हूँ, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये लेंथ है, फिक्स कर देता हूँ। तो इतनी लेंथ में यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ से जीरो से स्टार्ट है, यहाँ पर देखिए क्या रीड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेन स्केल्स की डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन कितनी है आपके पास 9, जबकि इतने ही 9 में आपके पास वर्नियर स्केल की डिवीजन कितनी है, नीचे हमने वर्नियर के लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतनी लेंथ ली थी हमने। उस लेंथ में देखें वर्नियर मेन स्केल्स की डिवीजन कितनी है 9, जबकि वर्नियर स्केल्स की डिवीजन कितनी है 10, दोनों बराबर आनी है। डिवीजन का मतलब पता चल रहा है कि मीन्स 9 डिवीजन्स बराबर है 10 डिवीजन के। यहां पर क्या पता चल रहा है आपके पास मेन स्केल्स की डिवीजन 9 है जबकि वर्नियर स्केल्स की डिवीजन कितनी है 10, तो ये दोनों आपस में बराबर है, मीन्स मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू वर्नियर स्केल डिवीजन। नंबर दे दें, जनरलाइज करो तो इसको ये लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं m और इसको लिखते हैं n। ऑर्डिनरी हमारे पास वर्नियर स्केल है वो हमारे पास क्या है, उसकी डिवीजन बड़ी है, और हमारे पास वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है वो छोटी है। तो एक बराबर फिक्स लेंथ में हमारे पास मेन स्केल आ रही है 9, तो उसी लेंथ में हमारे पास वर्नियर स्केल कितनी आ रही है 10, तो इसका मतलब 9 मेन स्केल्स बराबर हैं 10 छोटी वर्नियर स्केल्स के। तो ये दोनों आपस में क्या हो रही है बराबर। लेकिन अगर कोई कोई ऐसी वर्नियर स्केल है जिनका लीस्ट काउंट आपके पास ज्यादा है या कम है, तो उसके लिए हम क्या कराते हैं जनरल फार्मूला बनाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कि एम मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू एन वर्नियर स्केल डिवीजन होती है, क्योंकि ये है हमारे पास लीस्ट स्केल डिवीजन, तो हमें पता है सेंटीमीटर की है, तो सेंटीमीटर की हमारे पास जो एक डिवीजन है वो कितनी होती है, हमने किया था अभी कि 1.01 के बराबर होती है। अगर मिलीमीटर है तो ये 1 मिलीमीटर में, तो मेन स्केल की डिवीजन तो हमें पता है, लेकिन वर्नियर स्केल की डिवीजन पे कोई भी कैलिब्रेशन नहीं है, हमें नहीं पता। तो हमें क्या चाहिए, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन पता करनी है वो कितनी है। तो n देखिए यहाँ पे मल्टी डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू m अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। ये फार्मूला जस्ट हमने ये किया, क्या इसको लिख दिया मैंने m और इसको लिख दिया n, मीन्स m मेन स्केल डिवीजन, n वर्नियर स्केल डिवीजन, ये दोनों आपस भरा, क्योंकि लेंथ एक लेंथ में आपके पास मेन स्केल 9 आ रही है और उतनी लेंथ में वर्नियर स्केल कितनी आ रही है 10, तो वर्नियर स्केल की डिवीजन छोटी है इसलिए बढ़ गया नंबर, मेन स्केल की डिवीजन बढ़ी है इसलिए नंबर थोड़ा कम आ गया। लेकिन दोनों क्या है पर फॉर पर्टिकुलर लेंथ दोनों की वैल्यू क्या है सेम है, बराबर है, तो दोनों को बराबर कर दिया। अब जनरल फार्मूले के लिए मैंने क्या किया, एन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके एम से डिवाइड, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू एम अपॉन एन एम एस टी। ये वैल्यू पुट करते हैं हम इस लीस्ट काउंट के फार्मूले में, तो देखिए क्या आता है, ये हो गया लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 एम एस डी, मेन 1 मेन स्केल डिवीजन, फिर क्या आ रहा है माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, देखें 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर आ रही है, इसके बराबर m अपॉन n m
MSD। तो यहां पर देखें MSD कॉमन है, वर्लीज काउंट क्या हो जाएगा, मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 - m/n। तो ये है आपके पास जनरल फार्मूला किसी भी वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए। ये क्या है जनरल फार्मूला, लीस्ट काउंट ऑफ एनी वर्नियर, कोई भी वर्नियर स्केल हो उसका लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए ये हमारे पास क्या है जनरल फार्मूला। मीन्स क्या है, मेन स्केल की डिवीजन वो पता होती है, अगर फॉर एग्जाम्पल मिलीमीटर है तो आपके पास क्या हो जाती है 0.1 मिलीमीटर के बराबर होती है। सेंटीमीटर है, अगर आपके पास मेन स्केल की रीडिंग सेंटीमीटर में है तो उसमें छोटी से छोटी मेजरमेंट सेंटीमीटर में आप किसकी कर सकते हो 0.1 की। तो ये आपके पास गिवन है, लेकिन अब दोनों आपके पास स्केल्स कंबाइन हो गई हैं तो फिर आप उसकी किस तरह कर सकते हो। तो ये हमने लीस्ट काउंट के लिए क्या कर दिया जनरल फार्मूला कि मेन स्केल डिवीजन को मल्टीप्लाई करो 1 - m/n। m क्या है मेन स्केल डिवीजन, l क्या है वर्नियर स्केल डिवीजन। मींस कोई भी लेंथ ले रहे हो तो उसमें आपके पास कितनी मेन स्केल आ रही है कितनी वर्नियर स्केल डिवीजन आ रही है तो वो आपने चेक करनी है। क्लियर। तो ये फार्मूला है जनरल लीस्ट काउंट फाइंड करने का। अब हम इसके लिए क्या निकालते हैं लीस्ट काउंट, तो देखें फॉर एग्जांपल में अगर ये वैल्यूज है हमारे पास, इनका लीस्ट काउंट निकालते हैं इस मेन स्केल का जो हमारे पास ऑर्डिनरी वर्नियर स्केल यूज हो रही है। तो देखें लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, यही फार्मूला में पुट कर, चले मैं आप इसको लिख ले, मैं मिटा रहा हूं। अब देखें ये है हमारे पास जनरल फार्मूला लीस्ट काउंट का, तो ये हम फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी एक लिया था, क्या ली थी हमने, वर्नियर स्केल ली थी ऑर्डिनरी वर्नियर स्केल जिसकी मेन स्केल की रीडिंग किसमें थी सेंटीमीटर में। तो लेते हैं ये कि हमारे पास क्या है, देखें मेन स्केल डिवीजन कितनी 9 और वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी है 10। तो फार्मूला लेते हैं लीस्ट काउंट इज इक्वल टू MSD 1 - m/n m/n। तो अब निकालते हैं लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल का, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन कितनी है, मेन स्केल हम लेते हैं सेंटीमीटर में, तो हमारे पास हमने किया था कि सेंटीमीटर की स्केल 0 से 1 में स्टार्ट होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये जो डिवीजन है 1 ये किसके बराबर है सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है एक डिवीजन। तो मेन स्केल की डिवीजन आपके पास मेन स्केल क्या है सेंटीमीटर में है तो वो किसके बराबर हो जाएगी आपके पास 0.1 सेंटीमीटर के। अब देखें 1 - मेन स्केल की डिवीजन, देखें ये स्केल हमने ली मेन स्केल की डिवीजन कितनी आ रही है 9 एक पर्टिकुलर पॉइंट में 9 आ गई, जबकि वर्नियर स्केल की कितनी है 10। तो पुट कर दी तो ये हो जाएगा लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। ये क्या है 1 - 9/10, तो ये जवाब आ जाएगा 0.9। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, 1 में से जब 0.9 जाएगा क्या आ जाएगा 0.1। अब 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। अगर आप मिलीमीटर में लेना चाह रहे हो मेन स्केल डिवीजन, अगर आप मिलीमीटर में ले रहे हो तो यहाँ पर लिखोगे 1 मिलीमीटर, सेम 1 मिलीमीटर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो लीस्ट काउंट जो है वो आपके पास 0.1 मिलीमीटर होगा वर्नियर स्केल का। ये है आपके पास वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट ऑर्डिनरी वर्नियर स्केल, ठीक है मैं कह रहा हूँ ऑर्डिनरी वर्नियर स्केल। अगर कोई आपसे कह दे कि एक हमारे पास ऐसी वर्नियर स्केल है जिसमें मेन स्केल डिवीजन 8 है और वर्नियर स्केल डिवीजन आपके पास 10 है, ठीक है तो उसका लीस्ट काउंट क्या होगा, तो वो डिफरेंट होगा। क्योंकि देखिए बेटा लीस्ट काउंट निकालने का हमारे पास क्या है, ये जनरल फार्मूला है, ये क्या है जनरल फार्मूला। अब आपके पास कभी वर्नियर स्केल ऐसी आती है जिसका लीस्ट काउंट 0.05 होता है, बिल्कुल हो सकता है। कोई स्केल ऐसी होती है जिसका लीस्ट काउंट आपके पास 0.08 होता है, 0.02 होता है, तो वो सारा कुछ डिपेंड करता है इन डिवीजंस पे बेटा, कि एक पर्टिकुलर यूनिट में आपके पास मेन स्केल डिवीजन कितने के वर्नियर स्केल के बराबर आती है। तो यहाँ पर मेन स्केल डिवीजन बराबर है वर्नियर स्केल के, क्योंकि मेन स्केल 9 आती है एक पर्टिकुलर यूनिट में
तो उसी पर्टिकुलर यूनिट में वर्नियर स्केल कितनी आती है, 10 आती है। क्लियर? तो इस तरह आप क्या निकालते हो, लीस्ट काउंट। तो जनरल फार्मूला है m1 माइनस m अपॉन n मल्टीप्लाई बाय msd। अब ये जो है आपके पास मेन स्केल डिवीजंस की वैल्यू, ये गिवन होती है, अगर सेंटीमीटर है तो 0.1 है, मिलीमीटर है तो 0.01 होगी, उस हिसाब से आपके पास क्या आ जाते हैं, लीस्ट काउंट्स की वैल्यूज आती हैं। तो देखिए लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, अगर मिलीमीटर में लिख रहे हो तो 0.1 मिलीमीटर। तो ये था आपके पास वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट किस तरह निकालें। अब आते हैं हम निकालेंगे कि हम रीडिंग किस तरह करते हैं, वर्नियर स्केल्स की रीडिंग किस तरह लेंगे। ठीक है बेटा, देख लें फिर। हमने लीस्ट काउंट निकाल लिया वर्नियर स्केल का, हम किस तरह निकालते हैं, सेम हम अब निकालेंगे कि हम वर्नियर स्केल से रीडिंग किस तरह लेते हैं। तो देखें रीडिंग वर्नियर स्केल की कैसे लेंगे, टोटल रीडिंग किसके बराबर है, MSR प्लस VSR, मतलब मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ये होगी हमारे पास टोटल रीडिंग। अब ये क्या है मेन स्केल रीडिंग, मतलब क्या है, रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। कोई भी एक लेंथ मेजर करें किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो मेन स्केल की रीडिंग आप किस तरह लेंगे, वर्नियर स्केल का जो जीरो है उससे पहले जो भी रीडिंग होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, मेन स्केल रीडिंग। लिखें रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग किस तरह लेंगे, ये कह रहा है कि देखें लीस्ट काउंट एल डॉट सी का मतलब क्या है, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय द कॉइंसाइडिंग रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन टू मेन स्केल डिवीजन। मीन्स वर्नियर स्केल की डिवीजन मेन स्केल डिवीजन से जहां पर कॉइंसाइड करेंगी, जहां पर बिल्कुल एग्जैक्टली एक दोनों आपस में मिलेंगी, वो रीडिंग मेन स्केल की नहीं वर्नियर स्केल की रीडिंग को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से, तो वो कहलाएगी टोटल वर्नियर स्केल रीडिंग। मीन्स जो डिवीजन वर्नियर स्केल की मेन स्केल से कॉइंसाइड करेगी, वहां की रीडिंग को मल्टीप्लाई करोगे लीस्ट काउंट से, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, वर्नियर स्केल रीडिंग। आए ये थी रीडिंग हम किस तरह लेते हैं। अब देखें हमारे पास ये मेन स्केल है और ये है वर्नियर स्केल, कोई भी एक रीडिंग ले लेते हैं हम, सपोज करते हैं कि ये एक लेंथ है, इसकी रीडिंग चाहिए यहाँ से। क्लियर है? हम क्या करते हैं इसकी रीडिंग लेते हैं यहाँ पे। अब किस तरह लेंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टोटल रीडिंग चाहिए वर्नियर स्केल की, वो कहती है कि मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग देखिए क्या है, रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल से पहले जो भी रीडिंग है वो आपके पास मेन स्केल की रीडिंग आती है। तो यहाँ पर देखिए ये वाली वैल्यू अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ऊपर आके यहाँ पर आ रही है जीरो से पहले, तो मेन स्केल की रीडिंग कहाँ पर आएगी, यहाँ पर। क्लियर है? तो यहाँ पर आएगी। अब यहाँ से देखिए कितनी है मेन स्केल पे, देखिए ये रीडिंग यहाँ पर आ रही है, ये वाली लेंथ है जो अगर मैं यहाँ पे ऊपर लेके जाऊँ तो कहाँ पर आएगी, यहाँ पर। तो देखिए कितनी आ रही है, 0, 1, 2, 2.1, 2.2, क्योंकि मेन स्केल की रीडिंग कहाँ पे, रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ पर पड़ा है, इस जीरो से पहले जो भी रीडिंग आएगी ये होगी 2.1, 2.2। तो टोटल रीडिंग हमारे पास क्या आएगी, देखें 2.2 सेंटीमीटर, प्लस करना है। फिर देखें क्या आ रहा है आपके पास टोटल रीडिंग, वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो वर्नियर स्केल क्या कहता है आपके पास, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कॉइंसाइडिंग एंगल ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का कॉइंसाइडिंग एंगल। तो यहाँ पर देखें ये जीरो और ये इसमें कॉइंसाइड नहीं हो रही, तो ये देखें वर्नियर स्केल की डिवीजन मेन स्केल की डिवीजन कॉइंसाइड नहीं हो रही, ये वर्नियर की डिवीजन ये मेन स्केल की डिवीजन कॉइंसाइड नहीं हो रही, ये वर्नियर की डिवीजन ये मेन स्केल की डिवीजन कॉइंसाइड, लेकिन ये वर्नियर 4 और ये कॉइंसाइड हो रही है, ये देखें मेन स्केल की और ये वर्नियर स्केल दोनों क्या हो रही है, आपस में कॉइंसाइड। कहाँ पर, वर्नियर स्केल के रीडिंग 4 पे देखें ये वाली वैल्यूज क्या हो रही है, कॉइंसाइड हो रही है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय 4 को क्या करना है, मल्टीप्लाई, क्योंकि कॉइंसाइडिंग रीडिंग क्या है, तो टोटल रीडिंग क्या हो जाएगी आपके पास, 2.2 सेंटीमीटर प्लस लीस्ट काउंट क्या है आपके पास, 0.01 वर्नियर कैलिपर जो हमने यूज की इसका लीस्ट काउंट क्या है, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 4। तो देखें ये क्या हो जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर प्लस ये हो जाएगा 0.04। तो टोटल रीडिंग देखें 2. इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो ये है आपके पास टोटल रीडिंग, ये क्या है आपके पास, टोटल रीडिंग ऑफ
वर्नियर स्केल के, वर्नियर स्केल की आप रीडिंग किस तरह ले सकते हो, टोटल रीडिंग क्या है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, मेन रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर द जीरो वर्नियर पिच, ये पड़ा है वर्नियर स्केल का जीरो, उससे पहले जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 2.1 2.2, मेन स्केल का 2.2 आ गई, फिर प्लस करना है वन ईयर स्केल, वन ईयर स्केल क्या करता है लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय द कोइंसाइडिंग रीडिंग ऑफ वन ईयर स्केल टू मेन स्केल, तो डिवीजन देखें ये 4 जो है डिवीजन ये मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है, तो वैल्यू 4 हमने मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ से पहले और कोई भी डिवीजन देखें कोइंसाइड नहीं करी, मीन आपस में मिल नहीं रही, ये डिवीजन देखें आपस में अलग अलग है, डिफरेंट है, सिर्फ 4 नंबर पे देखें ये वाली दोनों आपस में मिल रही, तो जो वैल्यूज आपस में मिलेंगी वो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी, ये वर्नियर स्केल की रीडिंग सिंपलीफाई किया तो 2.24 सेंटीमीटर इस ऑब्जेक्ट की लेंथ है, क्या है 2.24 सेंटीमीटर, ये कहाँ से मिली हमारे पास, ये मिली वर्नियर स्केल से। अब देखें जो लेंथ आ रही है वो हमारे पास कहाँ पे आ रही है, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस पे, तो लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या है वर्नियर के लिए 0.01, तो ये हमारे पास डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक एक्यूरेट वैल्यू देता है, तो 2.24 दोनों आपके पास क्या है एक्यूरेट है, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक इसने एक्यूरेट वैल्यू दी है, तो ये थी आपके पास रीडिंग मेन स्केल पे, ठीक है, तो ये था आपके पास कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ेंगे एरर के बारे में कि वर्नियर स्केल में हमारे पास एरर भी आते हैं जिनको हम कहते हैं जीरो एरर, तो उसका कॉन्सेप्ट लेते हैं कि एरर क्या है। देख तो देखें अब हमारे पास वर्नियर कैलिपर में एरर आते हैं जिसको कहते हैं जीरो एरर, तो देखें व्हेन जीरो ऑफ मेन स्केल डज नॉट मैच या डज नॉट कोइंसाइड विद जीरो ऑफ वर्नियर स्केल देन वी से देयर इज अ जीरो एरर। अब हमारे पास जो न्यू इंस्ट्रूमेंट लेते हैं वर्नियर कैलिपर, तो पहले तो हमारे पास उसमें एरर नहीं आती क्योंकि हमारे पास वो न्यू होते, लेकिन मटेरियल या इंस्ट्रूमेंट यूज करते करने के बाद हमारे पास क्या हो जाते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर आते हैं, इसलिए इंस्ट्रूमेंटल एरर को हम जीरो एरर भी कहते हैं, हमने पढ़ा था। तो देखें जो भी वर्नियर कैलिपर अगर पहले मेजरमेंट से पहले अगर आप बंद करते हैं वर्नियर स्केल को तो उसके जार्स क्लोज हो गए, फिर देखें मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के इक्वल आ रहा है, तो मीन्स उसमें कोई एरर नहीं, लेकिन वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो जब आपस में बराबर नहीं होंगे तो फिर क्या कहेंगे हम कि हमारे पास एरर है, और उस एरर को क्या कहेंगे हम जीरो एरर। तो जीरो एरर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, जीरो एरर के हमारे पास क्या है टू टाइप्स ऑफ जीरो एरर। दो टाइप हैं जीरो एरर के, एक हमारे पास है पॉजिटिव जीरो एरर, इसमें हमारे पास क्या होता है इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो ये कहता है द जीरो ऑफ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज राइट साइड ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। अगर मैं इसको देखा हूं तो किस तरह दिखाएंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या आ रहा है ये लिखा है द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज राइट साइड ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल, तो हमारे पास क्या आएगा जीरो एरर होगा, और उस जीरो एरर को हम कहेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। अगर यहां पे मैं लिखूं किस तरह, तो देखें ये है हमारे पास मेन स्केल और ये है हमारे पास वर्नियर स्केल, ठीक है, दो स्केल आ जाती हैं, तो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जीरो मेन स्केल का और यहाँ पे मैं जीरो लिख रहा हूँ वर्नियर स्केल का, तो जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, सेम 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह चलता है। तो देखें ये है आपके पास मेन स्केल और ये है आपके पास वर्नियर स्केल, इनिशियली देखें मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो आपस में मैच नहीं हो रहे, ये देखें जीरो आपस में मैच नहीं हो रहे, मीन आप रीडिंग नहीं ले रहे, अभी वर्नियर के लिए पर आपके पास क्या क्लोज है, आपने दोनों जार्स को कंबाइन कर दिया, तो आपके पास देखें क्या है मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहा, तो आप कह रहे हैं कि इसमें हमारे पास क्या है जीरो एरर है, तो ये है आपके पास जीरो। अब ये जीरो एरर आपके पास पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि आप कह रहे हो कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो राइट साइड पे है, ये क्या है आपके पास राइट साइड और ये क्या है आपके पास लेफ्ट साइड,
तो ये जो जीरो है वर्नियर्स के, वो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड पे है, तो इसमें जो एरर आएगा वो एरर आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव एरर आता है। क्लियर है। सेम अब दूसरा है आपके पास नेगेटिव एरर, क्या है आपके पास नेगेटिव एरर। अब नेगेटिव एरर आपके पास क्या आता है, सिंपली दी जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल और इसके लेफ्ट। सेम अगर हमें यहाँ पे अगेन वही बना दे हम, हमारे पास ये क्या है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक। ये मिस कोई भी थोड़ी बहुत आगे पीछे हो गई, खैर है। तो ये देखिए मेन स्केल का जीरो क्या है, यहाँ पे आ जाए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस तरह आएगा। तो देखें ये है अगेन मेन स्केल, ये है अगेन वर्नियर स्केल। तो हम क्या कह रहे हैं कि जीरो एरर कब आएगा, जब आपके पास जीरोस आपस में कॉन्साइड ना करें। तो ये देखें मेन स्केल का जीरो और ये वर्नियर स्केल का जीरो आपस में कॉन्साइड नहीं करें, ये इतना डिस्टेंस है। अब ये जो वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड पे होता तो पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर देखें मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड की तरफ है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, नेगेटिव एरर। इस टाइप का एरर आपके पास क्या होता है, नेगेटिव। अब ये क्या होता है, आपके पास फिगर से आप इंस्ट्रूमेंट को देख के बता सकते हैं। वर्नियर स्केल को देखोगे तो वहाँ पे आपके पास अगर जीरो राइट साइड आ रहा है तो आप कहेंगे इसमें पॉजिटिव एरर है, अगर जीरो लेफ्ट साइड आ रहा है तो आप कहेंगे इसमें क्या है, नेगेटिव एरर है। अब ये एरर आप फाइंड किस तरह कर सकते हो कि इसमें एरर कितना है, ये जो एरर है इंस्ट्रूमेंट में वो किस तरह आता है, कितना आता है, और टोटल रीडिंग में अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई जीरो एरर आ रहा है तो फिर आप इसकी रीडिंग किस तरह लोगे उस इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। तो अब हम उसको देखेंगे। हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जीरो एरर है, उसके बाद हम उस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग किस तरह ले सकते हैं, तो ये होगा हमारे पास रीडिंग जो होगी, रीडिंग विद जीरो एरर। अगर जीरो एरर है तो फिर हम रीडिंग किस तरह लेंगे, तो वो ये कहता है कि आपके पास जो टोटल रीडिंग है, टोटल रीडिंग माइनस करेंगे आप उसमें से क्या, जीरो एरर, जो भी आपके पास जीरो एरर है उसमें से आप क्या करेंगे, टोटल रीडिंग को माइनस करोगे। अब टोटल रीडिंग क्या थी आपके पास, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ये टोटल रीडिंग है, माइनस करेंगे उसमें से जीरो एरर। अब किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जीरो एरर आप किस तरह निकाल सकते हो, तो देखें जीरो एरर आप किस तरह निकालोगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, वो क्या कहता है, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कॉन्साइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। सिंपल जीरो एरर इस तरह निकालेंगे आप, देखें लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कॉन्साइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। अब आप सपोज करें यहां पर आपके पास में अगेन सेम ये और ये मेन स्केल और ये आपके पास क्या है, वर्नियर स्केल है। तो ये रीडिंग से पहले लिया जाता है, जीरो एरर आप रीडिंग से हमेशा पहले पाएंगे, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट करने से पहले इंस्ट्रूमेंट को चेक करोगे तो वो जीरो एरर सबसे पहले चेक किया जाता है। तो देखें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, मैं इसको बड़ा करके लिख दूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, जीरो वन टू थ्री टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव हो गया, जीरो यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इस तरह चलता जाएगा, ठीक है। ये देखें स्केल आ रही है, मीन फॉर एग्जांपल आपने वर्नियर स्केल को क्या कर दिया, आपस में कंबाइन कर दिया, क्लोज कर दिया, जार्स को बंद कर दिया, तो उसके बाद इस तरह नजर आ। अब देखें सबसे पहले देखें कि आपके पास स्केल जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल में जीरो एरर आ रहा है या नहीं, तो देखें ये जो जीरो है, ये जो जीरो है वो आपके पास क्या है, मेन स्केल का जीरो है, और ये जो है आपके पास क्या, वर्नियर। देखें दोनों आपस में कॉन्साइड नहीं कर रहे,
दोनों आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे, तो मीन्स इस इंस्ट्रूमेंट में क्या है, जीरो एरर है। अब वो जीरो एरर किस तरह फाइंड करते हैं, लीस्ट काउंट से ऑर्डिनरी हमारे हमें पता है जीरो एरर हम किस तरह निकालेंगे, जीरो ई से एरर। तो देखें लीस्ट काउंट हमें पता है कि वर्नियर स्केल का 0.01 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई कर देते हैं कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। अब देखिए वर्नियर स्केल पे आपके पास कोइंसाइड कितना कर रहा है, देखें कौन सी, ये डिजिट और ये नहीं हो रहा है, ये डिवीजन नहीं हो रही, ये डिवीजन ये डिफरेंट है, लेकिन ये देखें ये वर्नियर की डिवीजन है, ये वर्नियर डिवीजन सेम है, तो 0, 1, 2, 3 वर्नियर की कौन सी डिवीजन, थर्ड डिवीजन कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल से, वर्नियर की थर्ड डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है, तो वो थर्ड डिवीजन हम लिख लो। तो जीरो एरर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.013 सेंटीमीटर। अब देखें ये जीरो कौन सा, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर देखें फॉर एग्जांपल ये देखें जीरो जो है वर्नियर स्केल का राइट साइड पे है, तो आप इसको लिखोगे प्लस का जीरो एरर। फाइंड करने का तरीका है कि अगर जीरो आपके पास लेफ्ट साइड पे होता तो आप क्या करते, इसको लिखते नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव निशानी दे देते, क्लियर है और कुछ नहीं। सिंपल अगर मैं एक और दे दूं, सपोज करें सेम टू सेम मैं बना रहा हूं मेन स्केल और ये वाली, क्लियर, तो यहां पे ये जीरो, ये ऊपर जीरो, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ गया, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अब देखें जीरो एरर आ रहा है इस स्केल में, अगेन ये आपके पास क्या है मेन स्केल, ये आपके पास क्या है वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल का जीरो आपस में कंबाइन कोइंसाइड नहीं हो रहे, तो मीन्स इस स्केल में जीरो एरर है। अब देखें कितनी आ रही है, हम कहते हैं जीरो एरर फाइंड करने का तरीका सेम, हम क्या करते हैं लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग वैल्यू ऑफ वर्नियर स्केल। तो कोइंसाइडिंग वैल्यू देखिए कौन सी है, ये दोनों डिवीजन मैच नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही, देखें ये थ्री वाली मैच हो रही, वर्नियर स्केल की जो थर्ड डिवीजन है वो मैच हो रही है, तो जो डिवीजन मैच हो रही है वो लिखेंगे। तो लीस्ट काउंट देखिए कितना है आपके पास, वर्नियर 0.01 मल्टीप्लाई बाय 3, तो लीस्ट जीरो एरर क्या हो जाएगा आपके पास 0.03। अब देखें जीरो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे, देखिए लेफ्ट साइड पे तो कौन सी एरर होती है नेगेटिव, तो ये जो है नेगेटिव जीरो एरर है। सिंपल अगर जीरो राइट साइड पे है तो आप लिखोगे प्लस का जीरो एरर, अगर जीरो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड पे तो लिखोगे नेगेटिव का जीरो एरर। फार्मूला अब जो भी रीडिंग होगी सेम टू सेम आप इस तरह करोगे, उसमें सिर्फ क्या करोगे जीरो एरर को माइनस करोगे, अगर प्लस वाला है तो सिंपल प्लस, माइनस वाला होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो इस तरह आप निकालते हो जीरो एरर और रीडिंग किस तरह लेते हैं आप इंस्ट्रूमेंट की। तो आज का हमारा ये जो था वर्नियर कैलिपर ये क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट खत्म। अब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे स्क्रू जैक पे।